Dear student, today we are discussing the various process of wound healing by the healing with the primary intention, your primary union, by healing with the secondary intention, by this secondary union or by the tertiary union. तो सबसे पहले हम जौन से है healing पढ़ेंगे for the primary union कैसे या primary intention कैसे होती है. तो इसमें जौन सा होता है, जो हीलिंग का मतलब है, जब भी आपको कोई ज़ख़म होता है तो उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है ये वही है. तो किस तरह वाउंड जौन सा है, जो एक वाउंड जो आपका ज़ख़म है वो कैसे दोबारा अपने जौन सा है रीयूनियन करता है और दोबारा एजेस में दोबारा वो सही होता है. तो इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. इमीडिएटली जब आपको ज़ख़म होता है तो सबसे पहली स्टेज में जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड डैफरेज होता है, वो उसको फिल करता है उस मटीरियल को. ठीक है, तो जो डैफरेस साइड पे आपने कभी गौर से देखे हैं अपने ज़ख़म को, जहाँ से खून निकल रहा होता है तो वहाँ ब्लड क्लॉट एंड डैफरेस उसको फिल कर लेता है. उससे जो ही दो या तीन घंटे जो गुजरते हैं तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, यानी अर्ली इन्फ्लेमेशन में माइल्ड हाइपरीमिया यानी फ्लू पॉलीमॉर्फ्स आते हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स वगैरह और बैसोफिल्स या साइनोफिल्स ये शुरू हो जाते हैं, और ये एपिथेलियल सेल्स जो अक्रॉस द वाउंड्स ये आना शुरू हो जाते हैं. हैव यू हैव सीन दैट कि ये देखें ये शुरू हो गए हैं. ठीक है, और जो अब ये हो गए दो से तीन घंटे बाद, शुरू में ब्लड क्लॉट और डैबरेज आया, दो से तीन घंटे बाद ठीक है इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए, और जब दो या तीन दिन गुजरेंगे देन वी हैव द माइक्रोफेजेस, तब इसके बाद माइक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे और वो क्लॉट को रिमूव करेंगे. ये फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है. यहाँ देखें आप सेल के नीचे माइटोटिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई है. ये 2 to 3 days बाद होगा. ठीक है, अब जब 14 दिन गुजर जाएंगे यानी तकरीबन 2 weeks, अबाउट 2 weeks, तो देन वी हैव दैट जो हमारा प्राइमरी वाउंड होगा जो शुरू में था वो तकरीबन सारे उसमें नया एक फाइब्रस स्ट्रक्चर आ जाएगा, और वाउंड लेकिन जो वीक होगा लेकिन उसमें नया स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा. अब कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर ऐसा ऐसा इसमें स्कार टिश्यू आ जाता है, और स्कार टिश्यू का मतलब है अब यूनियन जो फाइब्रस टिश्यू है वो अच्छी हो गई लेकिन इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती आफ्टर मंथ्स और ईयर्स. ठीक है, इसमें कोलेजन जो स्कार होता है वो जौन सा है सराउंडिंग टिश्यू के साथ मर्ज हो जाता है. ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो वास्कुलराइजेशन होती है वो डीवास्कुलराइजेशन ही होती है, यानी उसमें इतना ज़्यादा ब्लड वगैरह नहीं आता लेकिन हमारे पास स्कार बन जाता है. तो हमारा शुरू हुआ ये प्राइमरी इंटेंशन इमीडिएटली ब्लड क्लॉट, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, फिर माइक्रोफेजेस आए, फिर स्कैब लूज हो गया, जो हमारा वाउंड था वो लूल हो गया लेकिन फाइब्रस यूनियन हो गई, और जो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वीक्स के बाद स्कार टिश्यू आ गया, और स्कार टिश्यू फिर वो काफ़ी ईयर्स बाद यही स्कार टिश्यू हमारा जो 7 वाले कोलेजन फाइबर्स हैं उनमें मिल जाता है. ठीक है, तो ये थी प्राइमरी यूनियन यानी प्राइमरी इंटेंशन. नाउ वी विल गो ऑन द सेकेंडरी इंटेंशन. तो सेकेंडरी इंटेंशन तकरीबन जो होती है वो उसमें डीप वाउंड हीलिंग होती है, यानी उसमें टिश्यू भी डैमेज हुआ हुआ होता है. तो ये डीप होता है, टिश्यू डैमेज होता है, तो एजेस जोन से हैं जो दो वाउंड्स के हैं वो इतना आसानी से आपस में यूनियन नहीं कर पाते. ये ज़्यादातर ओपन वाउंड्स में होता है जिसमें गन शॉट्स भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओपन होता है वाउंड, यानी वाउंड काफ़ी खुला खुला होता है और इसमें टिश्यूज़ का लॉस ज़्यादा होता है. तो इसमें जो पहले प्राइमरी यूनियन थे उनमें क्लॉट और डैबरेज फील होता है, तो इसमें यह आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जोन से है जो डीप वाउंड है और इसमें टिश्यू लॉस ज़्यादा हुआ हुआ है. इसमें भी फाइब्रेंट क्लॉट और वो आ जाते हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स शुरू में ही लिविंग टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं. फ्यू डेज़ बाद जौन से है माइटोटिक एक्टिविटी, ये आप देखें एपिथीलियम के नीचे सेल्स की माइटोटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, नई कैपिलरीज भी बनना शुरू हो जाती हैं जिसमें माइक्रोफेज न्यूट्रल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाते हैं, और वाउंड का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाउंड का मतलब ये है कि वाउंड जौन सा है साइज़ में छोटा हो गया है. साइज़ में जब वाउंड छोटा हो जाता है तो डैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाउंड, तो डैट इज़ ड्यू टू द मायोफाइब्रोब्लास्टिक सेल्स. ठीक है, तो आफ्टर तकरीबन 1 week जब गुजर जाता है आप ये देखें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाउंड कंटिन्यू होता है. अब ये जो वाउंड है हमारा तकरीबन सही हो गया है, एपिथीलियम नई ग्रो हो गई है, नए सेल्स आ गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बन गया है जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, तो एक ग्रैनुलर टिश्यू फिल हो जाता है. तो इसमें उसमें ऊपर जो प्राइमरी इंटेंशन है उसमें फाइब्रस टिश्यू और इसमें ग्रैनुलेशन, एक नया
टिश्यू जौन सा आ जाता है जो कि इसे फिल कर देता है, ठीक है, जो कि आप नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ग्रैनुलर टिश्यू, ठीक है। तो इसमें न्यूरिफॉर्म कैपिलरीज भी होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, माइक्रोफेजेस भी होते हैं। तो ये जौन सा है, दैट इज़ इंटेंशन बाय द सेकेंडरी इंटेंशन। एक जौन सा होता है टर्शी इंटेंशन भी होता है, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो उसे कहते हैं टर्शी यूनियन, और जौन सा है या टर्शी एंटन यानी हीलिंग बाय टर्शी यूनियन। उनमें जौन सा होता है उसमें भी डीप वाउंड हीलिंग होती, डीप वाउंड होता है, टिश्यू काफ़ी लॉस हुआ हुआ होता है, लेकिन जो उसमें टिश्यू जो ऊपर वाला होता है उसकी वास्कुलैरिटी होती है, और जो वास्कुलैरिटी नहीं होती, जो ऊपर मेन वाउंड होता है, ठीक है, वहाँ जौन सा है ए वास्कुलर टाइप होता है। जो नीचे वाला होता है वहाँ जौन सा है कैपिलरीज होती हैं, यानी कैपिलरीज, और वो मसल टिश्यू सही होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम ये जौन सा है ये वाला जो ऊपर वाला टिश्यू है इसे रिमूव कर देते हैं। व्हेन विल वी रिमूव इट, तो जो नीचे वाला टिश्यू है वो हमारे पास सही होता है और वो वास्कुलर होता है, यानी उसके अंदर ब्लड्स वगैरह भी होती हैं। तो बाद में यही ग्रैनुलर टिश्यू के साथ ही और यही चीज़ों के साथ और डैब्रेस फिल के साथ वो जौन सा है हील कर जाता है। तो दैट इज़ द मेन वाउंड हीलिंग बाय द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंटेंशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।